आपके साथ। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजीआई ने कहा, हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया, यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आज़ादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कितनी महत्वपूर्ण है अतीत की कहानियों से समझा जा सकता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि आज का दिन हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। चंद्रचूड़ ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में देश ने क्या झेला, उस वक्त संविधान और कानून की क्या स्थिति थी, ये सभी जानते हैं। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए वकालत तक छोड़ दी। बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोविंद वल्लभ पंत, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे कई महापुरुषों ने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। ये सभी भारत की आज़ादी के नायक थे। इन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी योगदान दिया। चंद्रचूड़ ने कोर्ट की मौजूदा प्रोसेस पर भी बात की। सीजीआई ने कहा, पिछले 24 सालों में एक जस्टिस के रूप में मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि कोर्ट का काम उतना ही संघर्ष भरा है जितनी एक आम आदमी की जिंदगी। कोर्ट में सभी धर्म, जाति, लिंग, गांव और शहरों के लोग आते हैं। इन सभी को चुनिंदा संसाधनों में और दायरे में रहकर न्याय दिलाना होता है। यह उतना आसान काम नहीं है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।